आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो मुझे भी आ रही है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। एचसी वर्मा सबने खोल ली होगी, जिसके पास नहीं है वो नेट से देख लो, है ना। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पेज नंबर मुझे भी नहीं पता, मैंने मोबाइल में खोल रखी है, वो फोटो ली नहीं है। एक बार पहला वाला क्वेश्चन पढ़ दो। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव वन खोलो सब लोग। ऑब्जेक्टिव वन के ऊपर हेडिंग लगी हुई होगी, देखो गॉस लॉ ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन नंबर वन है। चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए प्लास्टिक लार्ज प्लास्टिक प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। पढ़ लिया सबने सर? पेज नंबर 139 है। हाँ ऑब्जेक्टिव, थैंक यू बेटा वर्दीप। ऑब्जेक्टिव वन पेज नंबर 139, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फॉर बोथ नीट वाले बच्चों के लिए और जेई वाले के लिए और बोर्ड के लिए जो है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे सब बढ़िया होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? क्वेश्चन नंबर वन ऑफ ऑब्जेक्टिव वन, ध्यान देना कि एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है एक लार्ज प्लास्टिक प्लेट पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी क्लोज टू सेंटर ऑफ द प्लेट इज 10 वोल्ट पर मीटर। 10 वोल्ट पर मीटर है ना बेटा। एक बहुत बड़ी लार्ज प्लास्टिक शीट है और उसके लगभग सेंटर के पास, कहां पर? सेंटर के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 वोल्ट पर मीटर है। अब आप वोल्ट पर मीटर देख के घबराना मत, ये भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अगले चैप्टर में आती है, न्यूटन पर कूलाम, वही है, ठीक है। 10 वोल्ट पर मीटर। इफ द प्लास्टिक प्लेट is replaced by copper plate of same geometrical dimension carrying a charge of same charge q, the electric field at a point p will become, matlab ye to plastic ki sheet hai, samajh rahe beta? Ab samajhna, ye plastic ki sheet hai, isko charge diya, ab plastic ki sheet ki jagah apan kya le lete hain, koi metal plate le lete hain, to bhai jaise apan thin infinite metal plate le lete hain, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये सवाल पूछा है। अब कई बच्चों को सवाल थोड़ा, हेलो, यस सर, कोई कुछ बोल रहा है? सेम होगी ना? हाँ सेम होगी, होगी सेम ही होगी। अब इसको थोड़ा समझते हैं अपन की क्या कहना चाहता था क्वेश्चन में और क्यों सेम अपना आंसर आ रहा है। तो समझो बेटा इसको ऐसे समझते हैं, देखो जब अपने पास शीट है, शीट का मतलब क्या होता है? बहुत थिन है, मतलब शीट मेरा हाथ है बहुत थिन है, तो शीट को चार्ज दोगे तो वो सरफेस पे रहेगा, है ना, सरफेस पे रहने वाला। और कंडक्टिंग जो आप देखना, आगे देखना, ये चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्म लार्ज प्लास्टिक प्लेट, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्लोज टू दिस इज द प्लास्टिक प्लेट इज रिप्लेस बाई कॉपर प्लेट ऑफ सेम ज्योमेट्रिकल डायमेंशन, है ना। इसकी जगह कॉपर अपन ने रख दिया, तो कॉपर क्या होता है? मेटल। अब मेटल को चार्ज दोगे तो वो भी कहां रहेगा? सरफेस पे रहेगा। तो दोनों ही केसेस में जो चार्ज है वो सरफेस पर है, चाहे वो अपनी एक प्लास्टिक पतली सी प्लेट हो खूब सारी लंबी, चाहे वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम, दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का याद करो जो फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था लार्ज इनफाइनाइट प्लेट के कारण, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किया था, वहां पे कोई ऐसी चर्चा नहीं की थी कि ये कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है। ऐसी चर्चा स्फीयर में की थी कि नहीं की थी? Yes, sir. थी। वेरी गुड। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? सी। सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, जो बच्चे आ गए हैं ऑब्जेक्टिव वन क्वेश्चन कर रहे हैं एच सी वर्मा का, वन पार्ट पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे सर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर टू देखो, आप लोगों को टफ नहीं लगेगा, आसानी से हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर टू सारे बच्चे पढ़ेंगे, एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर टू। ए मेटेलिक पार्टिकल हैविंग नो चार्ज इज प्लेस्ड नियर ए फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी।
अब आप मुझे बताओ कि ये एक मेटलिक प्लेट है, फाइनाइट मतलब ज्यादा इंफाइनाइट लंबाई नहीं है, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। और इस पे मान लो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे एक मेटलिक पार्टिकल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? मेटलिक पार्टिकल रखा हुआ है। तो ये मेटलिक पार्टिकल, मेटलिक पार्टिकल हैविंग नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है, प्लेस नियर ए फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी, पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर होगा? अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट क्यों होगा बेटा? देखो हेलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी? जीरो, देखो चलो देखते हैं। ये अपनी प्लेट है, प्लेट से इंडक्शन से इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा इस तरफ। और इससे दूसरी तरफ कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। याद करो मैंने बताया था इंडक्शन से कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव। अब इसमें क्या होगा कि इस ये पॉजिटिव प्लेट इस पर फोर्स लगाएगी इधर, है ना, और ये पॉजिटिव प्लेट इस पर फोर्स लगाएगी इधर, तो कौन सा फोर्स बड़ा होगा? इधर वाला कि इधर वाला? टुवर्ड्स वाला बड़ा होगा। अब इसमें देखो चालाकी देखो, क्वेश्चन कितना शानदार है, देखो आप समझ रहा है। इसमें डिपेंड नहीं करता डिस्टेंस पे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यश, यही कंफ्यूजन मैं चाहता था बच्चों में। अब क्वेश्चन को पढ़ एक बार यश दोबारा, क्वेश्चन क्या लिखा है? ए मेटेलिक पार्टिकल हैविंग नो चार्ज इज प्लेस्ड नियर ए फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनाइट, और तू जो बोल रहा है कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो कौन सी किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मेटल प्लेट की। अगर ये प्लेट इनफाइनाइट होती तो इसकी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती, यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट होती, तो दोनों तरफ फोर्स क्या होते? बराबर। लेकिन ये इनफाइनाइट मेटल प्लेट नहीं है, और इनफाइनाइट मेटल प्लेट नहीं तो सिंपल एक रोड की तरह, जैसे अपन पढ़ते थे उसमें कि एक रोड को लेकर आ रहे हैं किसी अनचार्ज बॉडी के पास, तो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो सेम चीज। तो ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला फोर्स कम होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, यस, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, ए सही होगा। बोलो, कितना अच्छा सवाल था ये, थोड़ा सा अच्छा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा ना। आज रिवीजन क्लास भी है 7 बजे, है ना, मतलब स्टार्टिंग से क्लास स्टार्ट करें, तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सर। सर अगर इनफाइनाइट प्लेन होता तो आंसर 0 होता? हाँ, तो आंसर 0 होता। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने को यही करना है, एक्चुअली सिर्फ ऐसे नहीं करनी कि बस पढ़ लिया हो गया, नहीं, उसको पूरा एक्सप्लोर करना है अपने को, हर एक चीज को। इनफाइनाइट होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी यहां पर है उतनी यही होती, तो फोर्स क्यू ई बराबर लगता। आई बात समझ में? यस सर। चलो यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 एक बार एचसीवी की आदत लग गई ना बेटा, चरस गांजा अफीम सारी आदतें फेल है, है ना। कॉल्ड्रिंक, बाहर घूमने की आदत, कोई भी ऐसी गंदी आदत, फालतू आदत, है ना, कोई भी नेटफ्लिक्स देखने की आदत, ऐसी तुम्हारी उम्र में तो ऐसी ही पड़ती है, तो वो सब भी फेल हो जाएंगी इसके आगे, है ना। सीरियल देखने की आदत भी फेल हो जाएगी एक बार एचसीवी की आदत लग गई तो। ए थिन मेटलिक स्फेरिकल शेल कंटेन्स ए चार्ज क्यू ऑन इट, ऑन इट मतलब इसकी सरफेस पर है, शेल का मतलब होलो है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल एंड अनदर चार्ज क्यू वन इज प्लेस आउटसाइड इट एज शोन इन फिगर। ऑल द 3 चार्जेस आर पॉजिटिव, द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर इज, बताओ। ये है, इसको चार्ज दिया क्यू, तो सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा, और ये कैसी है, थिन मेटेलिक स्फीयर है, मेटल ये कंडक्टर है, जीरो आएगा ना, ठीक है। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर चार्ज रखा हूं मैं क्यू और यहाँ पर चार्ज रखा हूं क्यू वन, तो वो ये पूछ रहा है कि क्या Q1 के कारण इस Q पे कोई फोर्स लगेगा? नो सर,
क्यों? क्योंकि ये मेटलिक है, मेटल के अंदर फिर जीरो रहेगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? जीरो। 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 आई बात समझ में? अरे क्लियर हुआ? क्योंकि ये मेटल, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अंदर एंटर करने देगा ही नहीं, देगा ही देगा नहीं। ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन कौन सा सही है मेरे को बताओ? डी। डी। डी, वेरी गुड। अच्छा सोचो, अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तो सर तो डायरेक्शन बना के रिजल्टेंट फोर्स वो निकाल लेते ना, डायरेक्शन बना के रिजल्टेंट फोर्स के थ्रू। अगर ये नॉन कंडक्टिंग होता तो, मान लो या नॉन कंडक्टर होता तो ये Q1 क्या इस Q पे फोर्स लगाता? मान लो ये प्लास्टिक का बना हुआ होता तो क्या ये Q1 इस Q पे फोर्स लगाता? रिपल से फोर्स लगाता ना लेफ्ट की तरफ। बिल्कुल लगाता, कैसे फोर्स तो लगाता ही। ये सेम ऐसा हो गया कि जैसे दो चार्ज है उनके बीच में कोई और मीडियम आ गया, प्लास्टिक शीट या कुछ भी आ गया, तो वो वाली कहानी हो गई। ठीक है बेटा, चलो इसके आगे भी सवाल है एचसी वर्मा में नॉन कंडक्टिंग वाला, तो वहां और क्लियर हो जाएगा देखा। ठीक है चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट क्या है कि मेटल के अंदर कोई भी चार्ज रख दोगे तो उस चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर वाले चार्ज के कारण, समझ रहे हो? बाहर वाले चार्ज के कारण उसमें कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है चलो, अब आते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। Consider the situation of the previous problem. The force on the central charge due to the shell is zero. Same, हाँ, same problem, same case है। इस बार जो charge रखा हुआ है center पर और यहाँ पर ये plus Q charge, जो ये बाहर वाला charge रखा हुआ है, तो बोल रहा है इस बाहर वाले charge के कारण अंदर वाले charge पे क्या force होगा? Zero, क्योंकि uniformly distributed है। क्यों? देखो यू चाहे तो दो तरीके ऐसे सोच सकते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा ना, हाफ पार्ट एक साइड लगेगा, हाफ दूसरी साइड। वेरी गुड उत्कर्ष, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी थिंकिंग है। एक आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर वाले चार्ज की वो बाहर से बाहर ही जाएंगी, क्या अंदर प्रोपोगेट करेंगी? नहीं करेंगी। तो बाहर वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर से बाहर चली गई तो अंदर प्रोपोगेट ही नहीं करी, तो बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड जब अंदर नहीं आई तो बाहर वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज नहीं आया तो फोर्स कहां से एक्सपीरियंस करेगा? नहीं करेगा। पहला अप्रोच तो ये, जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो अपना इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो अपन बनाते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि जैसे मेरे पास क्यू चार्ज है तो आप सोचो ये हाफ स्फीयर है तो हाफ इसको इधर भेजेगा और हाफ पॉजिटिव चार्ज इधर भेजेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है? जीरो। तो कुल मिला के कोई फोर्स इस पर नहीं लगेगा, नो फोर्स इट विल एक्सपीरियंस। तो मैं आपको सीधी बात, आप दोनों क्वेश्चन से क्या समझे कि अगर कोई कंडक्टर के अंदर मैं चार्ज रखता हूं तो न तो उस चार्ज में किसी बाहर वाले फोर्स के कारण फोर्स लगता है, न उस कंडक्टर की सरफेस में जो चार्ज होता है उसके कारण फोर्स लगता है। बात समझ में? क्योंकि कंडक्टर के अंदर का मतलब क्या हो गया? इट इज शील्डेड फ्रॉम विच फोर्स? कौन से फोर्स से शील्ड हो गया? आउटर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आउटर फोर्स, है ना, जो आउटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से शील्ड हो गया, मतलब जो कुछ कंडक्टर के सरफेस पर है और जो कुछ कंडक्टर के बाहर है उससे शील्ड हो गया। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है सर? डी। एक मिनट, हाँ बोलो। आंसर में पीछे जो साइड में होता है उसके आंसर में फोर्स का बी दे रखा है, मतलब हाँ, बी दे रखा है, मैंने भी देखा अभी। ये क्या कहानी है? चार्ज है ना बाहर रखा हुआ है, बी और सी दोनों दे रखे, बी और सी दोनों दे रखे। नहीं, वो ऑब्जेक्टिव 2 का है, ये ऑब्जेक्टिव 1 का। देखो एक बार, इफ द प्रीवियस प्रॉब्लम द फोर्स ऑन द सेंट्रल चार्ज, हाँ सॉरी, वो बाहर वाले चार्ज को कंसीडर, आपने एक बार बताया, मैं समझ गया। अब चेंज, मैंने क्या बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं किया इसलिए मैंने वो दे दिया, बाहर वाले चार्ज को भी कंसीडर करना है आपने। अब वो सिचुएशन है तो पूरा का पूरा कंसीडर करना। आप देखो मैं समझाता हूँ इसको, ऐसा आंसर क्यों है देखो, है ना, क्योंकि अपन ने बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं किया तो ये चार्ज क्यों यहाँ पर है? बाहर वाला चार्ज अगर नहीं है, बाहर कोई चार्ज नहीं और यहाँ पर आप चार्ज देते हो तो कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, अब समझना, बाहर मान लो यहाँ पर अपने पास Q1 चार्ज है, Q डैश क्या लिखा हुआ है? Q1, ठीक है,
अब ये पॉजिटिव चार्ज, अब समझना सारे बच्चे समझना, अगर बाहर कोई चार्ज नहीं है, इधर कोई चार्ज नहीं है और यहां पर मैं प्लस चार्ज देता हूं, तो मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन इट? जीरो। जीरो, जो कि अपन कल पढ़ चुके हैं। लेकिन अब अपने साथ समस्या क्या है कि इसके अंदर यहां भी एक चार्ज रखा हुआ है क्यू वन। अब आप एक बात सोचो कि ये जो क्यू वन चार्ज है और ये मेटल है, तो ये क्यू वन चार्ज जो है इस मेटल पे क्या करेगा? इंडक्शन करेगा। इंडक्शन करेगा इसका मतलब इस वाली सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। दूसरी वाली सरफेस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बात समझ में आई? ठीक है, अब इस पे नेगेटिव आ गया और इस पे क्या आ गया बेटा? पॉजिटिव। अब आपने इसको पहले से ही क्या दे रखा है? क्यू चार्ज दे रखा है कि नहीं दे रखा? क्ययू चार्ज दे रखा है। अब वो क्यू चार्ज मतलब प्लस चार्ज है, तो वो प्लस चार्ज पूरे पर है, तो इस साइड प्लस चार्ज, ये जो बाहर आपने जो चार्ज दिया ये, इस साइड प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, है ना, प्लस चार्ज। लेकिन जो इस साइड वाले प्लस चार्ज होंगे वो कुछ चार्ज माइनस चार्ज से क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएंगे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि स्फेयर के इस वाली साइड जिधर क्यू वन चार्ज है उधर कम पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिधर इससे जो दूर वाली साइड है उस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना, ज्यादा होगा कि नहीं होगा? हेलो, अरे बात समझ में आई? तो इस वाली साइड चार्ज जो पॉजिटिव होगा वो कम होगा, क्योंकि ये जो क्यू प्लस क्यू चार्ज जो तुमने सरफेस पे दिया उसका इधर वाला चार्ज जो है वो इसके इंडक्शन से क्या हो गया? खत्म हो गया। और इधर वाला चार्ज जो है वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे बनाओ, तो देखो इसको ऐसे भी बना सकता हूं, जैसे ये मेरे पास स्फीयर है, यहां पर सेंटर पे चार्ज रखा मैंने क्यू और यहां चार्ज रखा क्यू वन। ठीक है, तो मुझे बताओ इस वाली साइड आपने इसको चार्ज दिया क्यू, तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, इस वाली साइड चार्ज क्या आएगा? क्यू प्लस क्यू वन। और इस वाली साइड चार्ज क्या आएगा? क्यू माइनस क्यू वन। मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो? यस सर। है ना, ऐसा क्यों हुआ समझ में आया? क्योंकि इंडक्शन से इधर कैसा चार्ज आया? माइनस क्यू वन। और इधर कैसा आया? प्लस क्यू वन। तो अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला जो पार्ट है ना हेमिस्फेयर का, वो क्यू पर फोर्स लगाएगा इधर, और ये जो हेमिस्फेयर का थोड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज है ये वाला फोर्स लगाएगा इधर। फोर्स किसका बड़ा है? राइट साइड। राइट साइड जाएगा, इसलिए इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, राइट साइड जाएगा। बात समझ में आई? अगर मुझे एक बात बताओ, अगर ये बाहर ये वाला Q1 चार्ज नहीं होता तो ये चार्ज कैसा होता? इक्वल होता हर जगह। इक्वल होता, और इक्वल होता तो Q पे फोर्स कितना होता? जीरो। 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 समझ में आया? लेकिन क्योंकि अब अनइक्वल है इसलिए Q पर फोर्स है। सर हाँ बोलो। सर इस केस में सर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगा दोबारा? दोबारा यूनिफॉर्मली क्यों होगा? अच्छा, क्योंकि ये क्यू वन चार्ज है, अगर क्यू वन चार्ज को हटा देगा तो यूनिफॉर्मली हो जाएगा। बात समझ में आई? ये क्यू वन चार्ज है जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म कर रहा है। यस सर। है ना, अगर क्यू वन चार्ज को हटा दोगे तो दोबारा ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, दोबारा इस पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं अपन? सिक्स। बहुत ही अच्छे सवाल है, मैं आपको सही बता रहा हूं, बहुत सारी चीजें सीखोगे। फाइव। अच्छा फाइव, हाँ सॉरी फाइव। पढ़ो क्वेश्चन नंबर फाइव पढ़ो। मेरा गायब हो गया क्वेश्चन नंबर फाइव। हाँ फाइव। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम, द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज इज 25 वोल्ट पर मीटर। है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स ओवर द कोसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर विल बी बताओ देखो क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन 5 देखो बेटा समझना क्या बोला है कि एक छोटी सी वॉल्यूम है कोई भी छोटी सी वॉल्यूम और छोटी सी वॉल्यूम पे मान लो कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए स्मॉल वॉल्यूम ये स्मॉल वॉल्यूम है इसमें डिस्ट्रीब्यूट आउट शेप का कोई जिक्र किया नहीं है तो अपन कोई शेप लेने की जरूरत नहीं कोई भी शेप ले सकते हैं द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सराउंडिंग द टोटल चार्ज मतलब इसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस बनाई ठीक है और वो इस टोटल चार्ज को सराउंड कर रही है इससे जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज 25 वोल्ट पर मीटर ठीक है 25 वोल्ट पर मीटर द फ्लक्स ओवर ए कोसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है अब एक कोसेंट्रिक स्फीयर और है उसका रेडियस कितना बेटा 20 सेंटीमीटर समझ में आया तो मुझे बताओ इस वाले जो आउटर स्फीयर है इससे कितना फ्लक्स होगा हेलो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट भाई इनर से क्या होगा इनर से होगा क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू एनक्लोज्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वो दिया हुआ है 25 अब आउटर से बताओ आउटर से क्या होगा वही क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट तो मुझे बताओ आउटर सरफेस से भी कितना चार्ज एनक्लोज्ड है वो वही है सेम ही तो है हां सर सेम है तो दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज अगेन 25 याद करो एनसीईआरटी में एक सवाल है कि अगर तुम हां वो रेडियस को डबल कर दिया था ना अगर मैं रेडियस को डबल कर देता हूं तो फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ता है क्या नो सर नहीं पड़ रहा क्यों क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड क्या है बेटा सेम है बात समझ में आई उत्कर्ष विनायक यस सर यस सर सारा चलो नोट कर लो इसको अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर हर क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाएगा आपको मैं सही बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 फिगर शोज एन इमेजिनरी क्यूब ऑफ लेंथ एल बाई टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रोड ऑफ लेंथ एल मूव अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट है ना इक्वल टू जीरो पर एंटर कर रही है विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द क्यूब रोड गोज थ्रू इट तो वही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ग्राफ है जो बताना है अपने को चलो देखो समझना ये अपने पास एक क्यूब है जो भी है इसकी लंबाई एल बाई टू है अब समझना बेटा समझना आप सारे बच्चे समझना और मेरे पास एक रोड है जिसकी लंबाई एल है ठीक है अब मुझे एक बात बताओ कि जब इस रोड को इसके अंदर डाला जाता है तो इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ेगा कि घटेगा बढ़ेगा वेरी गुड देखो ये रोड है और इस रोड को अंदर डाल रहा हूं तो इसके धीरे धीरे जैसे अंदर जाएगा क्या होगा क्यू एनक्लोज बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा तो सबसे पहले कितने ग्राफ दे रखे हैं आपको तो मुझे बताओ ग्राफ बी गलत है हेलो ऑप्शन को हटाना सीखो ग्राफ बी गलत है कि सही है गलत है हाँ क्यों गलत है क्योंकि ग्राफ बी में क्या बोल रहा है गिर रहा है घट रहा है घट रहा है तो फ्लक्स घट थोड़ी रहा तो बढ़ रहा है गलत है बढ़ रहे हो
हट रहा है। हाँ, ग्राफ सी गलत है क्योंकि कांस्टेंट दे रहा है। कांस्टेंट दे रहा है, तो प्लस कांस्टेंट थोड़ी है, नहीं है। ग्राफ ए और डी में से कुछ भी हो सकता है, ए में भी बढ़ रहा है, डी में भी बढ़ रहा है। अब आप एक बात सोचो, समझना बेटा ना, देखो हाँ, अब देखो क्या हो रहा है। तो अब वो तो ऑप्शन कट, अब ये जब रोड अंदर जाएगी, मान लो रोड अंदर जा रही है, ये रोड है अंदर जा रही है, ठीक है, ये रोड है और अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है। अब इसकी लंबाई कितनी है? L by 2। तो एक सिचुएशन आएगी जब ऐसा सिचुएशन होगा, समझना, कि रोड का आधा पार्ट तो कहां रहेगा? अंदर। अंदर, और आधा पार्ट कहां रहेगा? बाहर। बाहर, ठीक है, आधा पार्ट बाहर रहेगा। फिर जब ये रोड बाहर निकलना चालू करेगी, समझना, जब बाहर निकलना चालू करेगी, तो आप देखो, ये मान लो ऐसे बाहर निकली है, तो L by 2 पार्ट दोबारा अंदर रहेगा। बात समझ में आई? इधर कुछ है, इधर कुछ है, समझ रहे हो? फिर जब और बाहर निकलेगी सर, फिर तो इसका ग्राफ डी वाला होगा। वही तो बता रहा हूं मैं। और मान लो ये मोमेंट यहां पर है, जब L by 2 इधर हो गई और L by 2 इधर हो गई, फिर लास्ट में क्या होगा, ये बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी, कम हो जाएगा, हाँ इधर ज्यादा हो जाएगा। तब आप एक बात सोचो कि एक ये वाले टाइम कुछ टाइम ऐसे, क्योंकि इसकी लंबाई इससे ज्यादा है, तो कुछ समय के लिए हमेशा इसके अंदर L by 2 लेंथ का चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा? यस सर, रहेगा। अरे बोलो। यस सर, है ना, समझ में आया? मतलब पहले जब वो अपना स्क्वायर था, अपना है ना, दिस वॉज अवर स्क्वायर, ये अपना स्क्वायर था, ठीक है, मान लो अब ये एंटर किया ऐसे, तो फ्लक्स बड़ा 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 बड़ा। अब देखो जब वो पूरा एंटर कर चुका है, जब दूसरा एंड आ गया, अब वो बाहर जा रहा है, लेकिन चार्ज उतना ही अंदर, फ्लक्स क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। फिर जब ये बाहर जाना चालू करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग आउटसाइड, तब कम होता जाएगा। वेरी गुड। तो कौन सा ग्राफ सही है? डी वाला। डी 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 वाला डी। ये बात बोलो, समझ में आया सबको? यस सर, है ना, तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो? आज मैंने बोर्ड की शीट भी भेजी है तुमको, घर पे ट्राई करना ना, मंडे को सॉल्व करेंगे। किसी भी चैप्टर को खत्म करने की कोई जल्दबाजी नहीं होगी, उसमें जितना हो सकता है उतना करो, और खत्म हो जाए तब खत्म हो जाए। अब कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद? सेवेंथ क्वेश्चन क्या है यार, मेरे पास बुक नहीं है, परेशान होते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए ओपन, यही है? यस सर, है ना, हाँ। चलो सेवेंथ क्वेश्चन तो कर सकते हो तुम, तुमको इस तरह क्वेश्चन करवाया मैंने। सेवेंथ क्वेश्चन, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए ओपन सिलेंड्रिकल वेसल, द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक थ्रू द सरफेस ऑफ द वेसल इज, बताओ। सी सर, सी हो जाएगा सर। क्यों हो जाएगा बेटा? सी सर हाफ हो जाएगा ना, उसके ऊपर जब सिमेट्रिकल, हाँ, फिर बना लेंगे। हाँ वेरी गुड। तो इस, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप अगले ने ऐसे दिया, अपन क्या करें? तो ये सिलेंडर है, अब सिलेंडर की यहाँ रखा हुआ है, तो बताओ इस सिलेंडर से फ्लक्स, तो अब गॉस लॉ तो लगा नहीं सकते, अब गॉस लॉ लगाने के लिए आपको ऐसी की ऐसी सिमेट्रिकल बॉडी बनानी पड़ेगी, तो ऐसी की ऐसी सिमेट्रिकल बॉडी बनानी पड़ेगी, मतलब इसके ऊपर एक और सिलेंडर रखना पड़ेगा, तो फ्लक्स थ्रू टू सिलेंडर विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स थ्रू वन सिलेंडर विल बी क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन। आई बात समझ में? हेलो। यस सर, यस सर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी, सबका आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
चलो अब क्वेश्चन नंबर एट करते हैं. अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर एट इज अगेन वेरी गुड. बहुत अच्छा सवाल है. सोचो दिमाग लगाओ अच्छा से. अगर क्वेश्चन नंबर एक नहीं है सर ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट हो गया ना. ऑब्जेक्टिव टू सर. ऑब्जेक्टिव टू स्टार्ट हो गया क्या? मैं ऑब्जेक्टिव टू का क्वेश्चन नंबर एट देखने लगा. ऑब्जेक्टिव टू. हाँ ऑब्जेक्टिव टू. ऑब्जेक्टिव टू में मोर देन वन करेक्ट हो सकते हैं. समझ लो एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है. इस पैटर्न के क्वेश्चन भी आते हैं अपने. ऑब्जेक्टिव टू. हाँ मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. पहला पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टू. Mark the correct statement. Gauss law is valid only for symmetrical charge distribution. क्या ऐसा है? No sir. चलो surface होनी चाहिए. बस surface और closed surface होनी चाहिए. याद करो कौन सी surface होनी चाहिए? Closed. बस closed. फिर उसके बाद में Gauss law is valid only for charges placed in vacuum. ऐसा नहीं है. हाँ ये भी गलत है. Charge कहीं भी रखा हुआ हो. अब मैं उसका भी बताऊंगा. देखो होता क्या अपन अपन जो लिखते हैं वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं क्योंकि चार्ज अपना वैक्यूम में रखा हुआ है. चार्ज मान लो किसी मीडियम में रखा हुआ हो तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या जाएगा? एप्सिलॉन उस मीडियम की परमिटिविटी. याद है ना? और एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट जो गॉस लॉ में अपन लिखते हैं. तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर अगला द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाई गॉस लॉ इज फील्ड ड्यू टू चार्जेस इन साइड द गॉसियन सरफेस. यस सर. यस सर करेक्ट है. सोच लो अच्छे से. यस सर सही है. सही है. चलो बहुत बढ़िया. फिर मैं बताऊंगा तुमको सही है गलत है. लास्ट वाला द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस ड्यू टू ऑल चार्जेस इज इक्वल टू द फ्लक्स ड्यू टू द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. ये सही है. तो फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए क्लोज सरफेस. अब समझ रहा तीसरा सही है कि चौथा सही है? देख लेना अच्छे से. The flux of electric field through a closed surface due to all the charges is equal to the flux due to charges enclosed by the surface. सही है? D सही है? सही है. D वाला समझाना मतलब क्या बता रही है? D वाला ये बोल रहा है कि the flux of electric field मतलब electric flux through a closed surface due to all charges is equal to the flux due to the charges enclosed by the surface. मतलब जो किसी closed surface से जो flux होता है वो उसके द्वारा enclosed charge के कारण ही होता है. ये ठीक है. आंसर चेक करो पीछे क्या क्या सही दे रखा. देखो only D. मल्टीपल में जरूरी नहीं होता कि दो सही हो. एक भी सही हो सकता है. तो फर्स्ट का क्या आंसर दे रखा होगा? D दे रखा होगा. yes, sir. C नहीं दे रखा. सी क्यू सही नहीं है. बताते हैं भाई. अरे हाँ रुको. देखो द फ्लक्स. हाँ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय गॉस लॉ इज फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस. देखो एक मीटिंग खत्म होने वाली है. इस मीटिंग के बाद बताता हूँ. नहीं तो क्या बीच में रह जाएगा. ठीक है बेटा इसको मीटिंग खत्म होने वाली है फिर दोबारा नई चालू करके बताता हूँ. नहीं तो क्या बीच में रह जाएगा फिर मजा नहीं आएगा. ठीक है दोबारा ज्वाइन हो जाना सब सेम आईडी पे.